नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ वीरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा स्टेशन से झारखंड राज्य के हटिया स्टेशन तक चलने वाली क्रिया योग एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन की बेसिक जानकारी, कोच की संख्या, कोच पोजिशन, किराया और टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा स्टेशन से झारखंड राज्य के हटिया स्टेशन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 18615। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है हटिया से हावड़ा स्टेशन, जिसका नंबर है 18616। इस ट्रेन को क्रिया योग एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन हावड़ा से हटिया तक तकरीबन 421 किलोमीटर अंतर 9 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 47 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 130 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को मेल या फिर नॉन सुपरफास्ट ट्रेन के कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन हावड़ा से सप्ताह में 7 दिन हटिया के लिए डिपार्ट होती है। इस ट्रेन को हावड़ा से हटिया तक ले जाने के लिए संतरागाछी लोको शेड का WAP-7 लोकोमोटिव लगता है। इस ट्रेन को साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में LHB श्रेणी के 22 कोच लगते हैं, जिनमें फर्स्ट AC का 1, सेकेंड AC के 2, थर्ड इकोनॉमी के 3, थर्ड AC के 4, स्लीपर के 8, जनरल के 2, SLR 1 और UG का 1 कोच शामिल हैं। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, जिनमें हावड़ा से हटिया के लिए स्लीपर का किराया रहता है ₹255, जिनमें रिजर्वेशन चार्ज शामिल हैं। AC थर्ड टायर का किराया रहता है ₹685, AC सेकेंड टायर का किराया रहता है ₹985 और AC फर्स्ट क्लास का किराया रहता है ₹1655, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज और GST शामिल है। इस ट्रेन में बच्चे और सीनियर सिटीजन को कंसेशन दिया जाता है। दोस्तों, वक्त के साथ कोच की संख्या, कोच पोजीशन, किराया और टाइम टेबल में बदलाव हो सकता है, तो कृपया अपनी जर्नी शुरू करने से पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। यह ट्रेन दो राज्यों को जोड़ती है, जिनमें पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य शामिल है। यह ट्रेन 9 स्टेशनों पर रुकती है और 85 इंटरमीडिएट स्टेशन को पार करती है। इस ट्रेन की जर्नी पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जंक्शन से रात को 9:30 पे शुरू होती है। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज रहता है मेचेदा स्टेशन। मेचेदा स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 10:20 पे पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 10:25 पे रवाना हो जाती है खड़गपुर जंक्शन के लिए। खड़गपुर जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 11:15 पे पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 11:20 पे रवाना हो जाती है झाड़ग्राम स्टेशन के लिए। झाड़ग्राम स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 12:59 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 12:01 पे रवाना हो जाती है घाटशिला स्टेशन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झाड़ग्राम स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल राज्य का इस ट्रेन में आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है झारखंड राज्य में ट्रैवल करेगी। झारखंड राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टेशन रहता है घाटशिला स्टेशन। घाटशिला स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 12:41 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 12:43 पे रवाना हो जाती है टाटानगर जंक्शन के लिए। टाटानगर जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 1:30 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 1:35 पे रवाना हो जाती है मुरी जंक्शन के लिए। मुरी जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 4 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 या फिर 3 पे पहुंचती है। 20 मिनट के होल्ड के बाद 4:20 पे रवाना हो जाती है रांची जंक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुरी जंक्शन पर इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स होता है और ट्रेन नंबर 18604 गोडा रांची एक्सप्रेस इस ट्रेन को ओवरटेक करती है। रांची जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 5:40 पे पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 5:50 पे रवाना हो जाती है इस ट्रेन की आखिरी मंजिल के लिए। इस ट्रेन का आखिरी मंजिल स्टेशन रहता है हटिया स्टेशन।
हटिया स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 6:30 पे पहुंचती है और इस ट्रेन की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से हटिया तक तकरीबन 421 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती, सिर्फ ई कैटरिंग की सुविधा दी जाती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहती हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।